दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे चमत्कारी शिव मंदिर के बारे में जहां शिवलिंग पर बड़े ही अद्भुत चमत्कारी रूप से रोज सुबह फूल पत्तियां देखी जाती है और आज तक यह पता नहीं लग पाया कि आखिर ये फूल और पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ा के कौन जाता है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद इस मंदिर में कोई नहीं आता और जब सुबह मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो रोज इस शिवलिंग के ऊपर फूल और पत्ते चढ़े मिलते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के मंदिर लिलोटीनाथ जी की। दोस्तों अपने चमत्कारों के कारण यह दुनिया भर में एक अलग स्थान स्थापित कर चुका है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित भगवान शिव के मंदिर में हर सुबह यह अनोखा चमत्कार भक्त अपनी आंखों से देखते हैं। मंदिर में स्थित शिवलिंग न केवल अपना रंग परिवर्तित करता है, मंदिर में स्थित शिवलिंग पर स्वतः ही शिवलिंग के ऊपर फूल और बेलपत्र चढ़ जाते हैं। इसके साथ ही यह शिवलिंग अपना रंग भी परिवर्तित करता है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने स्वयं की थी। यहाँ के आसपास के लोग वो मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर में स्थित शिवलिंग दिन में 5 बार अपना रंग परिवर्तन करता है। शाम के वक्त जब पुजारी मंदिर में साफ सफाई करके मंदिर के कपाट बंद कर देते हैं तो सुबह मंदिर का कपाट खोलने पर शिवलिंग पूजित मिलते हैं तथा उसके ऊपर पुष्प व बेलपत्र चढ़ा होता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि स्वयं अश्वत्थामा इस मंदिर में रोज बेलपत्र और फूल भगवान शिव को अर्पित करके जाते हैं तथा उनकी पूजा करके जाते हैं। पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर महाभारत काल का है तथा जब पांडवों का वनवास चल रहा था उस समय अश्वत्थामा उन्हें ढूंढते हुए इसी स्थान पर आए थे और यह जो शिवलिंग है उन्होंने इस स्थान पर स्थापित करा था। लोगों का विश्वास है कि सुबह सूर्य निकलते समय अश्वत्थामा यहाँ पर आकर शिवलिंग पर फूल और बेलपत्र शिव को चढ़ा के जाते हैं। दोस्तों यह मंदिर शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा की ओर कंडवा और जुनई नदी के किनारे स्थित है तथा अपनी पौराणिक महत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। प्रकृति की हरियाली से चारों तरफ से घिरा यह मंदिर शिव भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। सावन के सोमवार की छटा इस मंदिर में देखने लायक होती है तथा उन दिनों लाखों भक्तों की भीड़ इस मंदिर में लगी रहती है। भक्तों द्वारा लगाए गए महादेव शिव के जय जयकार और घंटियों की ध्वनियां और इस मंदिर के आसपास के वातावरण को अत्यधिक भक्तिमय बना देती है। और सबसे चमत्कारी बात तो यह है कि आखिर शिवलिंग पर अश्वत्थामा कब और कैसे बेलपत्र तथा फूल चढ़ा जाते हैं, क्योंकि जब भी सुबह मंदिर का द्वार खोला जाता है तो वह चढ़े होते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा को कलयुग में भी अमरता का वरदान है और वह आज भी सशरीर धरती पर विचरण कर रहे हैं परंतु गुप्त रूप से। दोस्तों लिलोटीनाथ मंदिर का शिवलिंग बहुत ही चमत्कारी है तथा इस शिवलिंग में भगवान शिव व माता पार्वती की आकृति भी देखने को मिलती है। बाबा भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है और इस मंदिर में आकर शिवलिंग के दर्शन कर यह साक्षात सिद्ध भी हो जाता है। यहाँ भोले बाबा के दर्शन को आने वाले लोगों का कहना है कि जब भी वे भोले बाबा के दर से कुछ मन्नत मांग के गए हैं वह अवश्य ही पूरी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।